Muslim League is a completely secular party. Right, right. हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। देश की सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने तुष्टिकरण को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तुष्टिकरण से देश को कितना नुकसान होगा, देश की एकता पर इस तुष्टिकरण का कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस ने ये कभी नहीं सोचा। राष्ट्र से पहले परिवार को प्राथमिकता देने वाली कांग्रेस ने देश की आजादी के वक्त से ही तुष्टिकरण का बीज बो दिया था। तुष्टिकरण की राजनीति का सबसे पहला उदाहरण देखने को मिला साल 1954 में, जब एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड अधिनियम पेश कर दिया। वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस ने देश की संपत्तियों को ऐसे लुटाया जैसे नेहरू गांधी परिवार अपनी निजी संपत्ति दान कर रहा हो। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतने असीमित अधिकार दिए कि वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती लोगों की जमीनों पर कब्जा तक किया। कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और मजबूत बनाने का काम किया। 1995 के वक्फ एक्ट में कांग्रेस ने ऐसा प्रावधान कर दिया कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहे उसे अपना बता दे और वह जमीन वक्फ की है या नहीं यह साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ की नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती थी कि वो बताएं कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। इस तरह के अधिकार मिलने का ही परिणाम था कि वक्फ बोर्ड ने उन मंदिरों की जमीन पर भी दावा कर दिया जो इस्लाम से भी पुराने हैं, और इसी वजह से वक्फ बोर्ड आज तीसरा सबसे अधिक जमीन वाला बन गया है। वक्फ बोर्ड के पास 3,55,813 वक्फ एसेट्स, 8,71,580 अचल संपत्ति और 16,713 चल संपत्ति है। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ही एक महिला पर जुल्म करने वालों का समर्थन किया था, कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए थे और कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में एक नया कानून पारित कर दिया था। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है, जहां एक महिला शाह बानो के पति अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी शाह बानो और 5 बच्चों को घर से निकाल दिया। शाह बानो ने गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की और इंदौर की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। शाह बानो के मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को समान नागरिक संहिता बनाने का सुझाव दिया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया, क्योंकि समान नागरिक संहिता आने से धर्म की आड़ में चल रही उनकी दुकान बंद हो जाती। मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला कानून 1986 पारित कर दिया। मुस्लिम महिला कानून ने धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते के अधिकार को खत्म कर दिया। कांग्रेस की घटिया राजनीति के कारण शाह बानो जैसी ना जाने कितनी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हो गई। तुष्टिकरण में अंधी हो चुकी कांग्रेस ने दलित पिछड़ों को दरकिनार करते हुए देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया था। दिसंबर 2006 में कांग्रेस की सरकार के दौरान मनमोहन सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक विकास के लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक होना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. अपने इस बयान से कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो वोटों की खातिर कांग्रेस देश के अन्य नागरिकों के हक मारकर सिर्फ एक समुदाय को दे देना चाहती थी। कांग्रेस तो तुष्टिकरण में इतनी अंधी हो चुकी थी कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों को मार गिराया था तो कांग्रेसी उन आतंकियों को मासूम बच्चे बता रहे थे और सोनिया गांधी उनकी मौत का मातम मना रही थी और आंसू बहा रही थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। राहुल गांधी तो तुष्टिकरण करने में मनमोहन सिंह से भी आगे निकल गए। जिस मुस्लिम लीग के कारण धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ, जिस मुस्लिम लीग के कारण लाखों लोगों की जान गई, वही मुस्लिम लीग राहुल गांधी को सेक्युलर लगती है। मुस्लिम लीग इज अ कम्प्लीटली सेक्युलर पार्टी, देयर इज नथिंग
There is nothing non-secular about the Muslim League. कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में BFI जैसे सांप को दूध पिलाया और डसने के लिए खुला छोड़ दिया। जब मोदी सरकार ने उस सांप का फन कुचला तो कांग्रेस बेचैन हो गई और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं घमंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल बेचैन हो गए। और बेचैन होते भी क्यों नहीं, क्योंकि इसी BFI के सहारे तो उनका एजेंडा चल रहा था। उनका जुर्म क्या है, एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं, तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस दूसरे समुदाय के लोगों के घावों को भी कुरेदने से नहीं हिचकती। जैसे टीपू सुल्तान ने अपने शासन काल में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदू महिलाओं की अस्मत लूटने का काम किया, उस टीपू सुल्तान की जयंती का कांग्रेस ने उत्सव मनाकर हिंदुओं को अपमानित करने तक का काम किया। कांग्रेस के तुष्टिकरण के इस खेल ने न जाने कितने लोगों के अधिकार छीन लिए, न जाने कितने लोगों को मूलभूत सुविधाओं से दूर कर दिया। कांग्रेस को लगता है कि तुष्टिकरण करके सत्ता में बने रहो और जनता को बेवकूफ बनाते रहो। आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां पर कांग्रेस तुष्टिकरण का खेल खेलने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जान चुकी जनता अब तुष्टिकरण के झांसे में नहीं आती, क्योंकि नए भारत की जनता सब जानती है।